हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पिंकी। आपका स्वागत है मेरे चैनल कुक विद पिंकी में। आज हम सीखेंगे पोहा बनाना, इसे चूड़ा भी कहते हैं। यह बहुत स्वादिष्ट होता है और झटपट बनकर तैयार हो जाता है। यह नाश्ता बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है। पोहा बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी पोहा लिया है। इसे वजन से बोले तो लगभग 300 ग्राम है। 1 मीडियम कटी हुई प्याज, 10 से 15 करी पत्ता, 1 चम्मच सरसों और सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक लहसुन, 3 से 4 हरी मिर्च। मिर्च को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच चाट मसाला, आप इस जगह पे नींबू भी ले सकते हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच MDH गरम मसाला, आप कोई भी कंपनी का गरम मसाला ले सकते हैं, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 इंच दालचीनी, 4 लौंग, 10 से 15 काली मिर्च, इसे गोलकी भी कहते हैं, और 1 इलायची। और मैंने लिया है 3 से 4 चम्मच सरसों तेल, 1 कटोरी चना, इसे रात भर के लिए भिगो लिया था, 1/2 कटोरी बादाम, 2 चम्मच पीसी हुई चीनी। आप चीनी को बिना पीसे भी ले सकते हैं। सबसे पहले पोहा को 2 से 3 बार धो लेंगे ताकि इसमें जो भी गंदा है अच्छी तरह से निकल जाए। पोहा को मैंने धो लिया है, इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये फूल जाए। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। गैस को ऑन करेंगे और कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। गरम कढ़ाई में तेल डालेंगे, इसमें डाल देंगे जीरा, सौंफ और सरसों। इसे चटकने के बाद इसमें डालेंगे करी पत्ता, ग्रेट किया हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्च। इसे 10 से 15 सेकेंड के लिए भूंजेंगे। इसी समय इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भूंजेंगे। प्याज भुंजा गया है, इसमें डाल देंगे 1 कटोरी चना और 1/2 कटोरी बादाम। बादाम और चना को मीडियम फ्लेम पे 2.5 से 3 मिनट तक भूंजेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब इसमें डालेंगे मसाला, हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर। मसाला को तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से खुशबू न आने लगे। मसाला भुंजा गया है, इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, पीसी हुई चीनी और 3 चम्मच टमाटो सॉस। आप टमाटो सॉस की जगह पे टमाटर भी ले सकते हैं। चीनी अगर नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे बिना चीनी को भी बना सकते हैं। अब इसमें डालेंगे पोहा और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। जो मैंने गोटा मसाला लिया था, गोलकी, दालचीनी वगैरह, उसी को मैंने पाउडर बना लिया है। उस पाउडर को इसमें डालेंगे, साथ ही डाल देंगे चाट मसाला। इसे अच्छी तरह से मिलाकर 1 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे ताकि जो भी मसाला वगैरह डाले हैं पोहा में मिल जाए। ढक्कन हटा के देखते हैं। वाह, कितना अच्छा खुशबू और लाजवाब नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। इसे बनाने में 10 से 15 मिनट टाइम लग जाता है। आप इसे बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए कैसा लगा। अगर मेरा रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ।